जय हिंद सभी को, वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नेसर ट्यूटोरियल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द आउटब्रीड डिवाइसेस के बारे में एंड पोलन पिस्टन इंटरेक्शन के बारे में। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सारे सिलेबस के ऊपर में वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले। तो गाइस, ये है हमारा लेक्चर 7 अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो चलो देखते हैं। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले चीज, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मींस होता क्या है उसको समझने के लिए आपको इनब्रीडिंग मींस होता क्या है ये समझना पड़ेगा। इनब्रीडिंग मींस क्या होता है कि खुद ही के स्पीशीज के साथ में रिप्रोड्यूस करना, और वही आउटब्रीडिंग मींस क्या होता है, अलग स्पीशीज के साथ में रिप्रोड्यूस करना। एग्जांपल से ले तो इनब्रीडिंग में क्या हो रहा है कि लायन रिप्रोड्यूस कर रहा है लायन के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, लायन। लेकिन आउटब्रीडिंग में क्या होगा, लायन रिप्रोड्यूस कर रहा है टाइगर के साथ में, तो आपको मिलेगा लाइगर। इसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग। अब प्लांट्स में ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों डेवलप हुए, ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर सके और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर सके। ओके, अब क्रॉस पोलिनेशन क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से क्या मिलेगा आपको, जेनेटिक डाइवर्सिटीज मिलेगी, कुछ कुछ जेनेटिक चेंजेस मिलेंगे आपको उन प्लांट्स के अंदर में जिनमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट्स में डेवलप्ड है। ठीक है, सो देखते हैं इसका डेफिनेशन। Many plants have mechanism that discourage or prevents self-pollination, जहाँ पर self-pollination नहीं होता है, and promotes cross-pollination, जहाँ पर cross-pollination होता है, for the genetic diversities. Okay? Thus, plant have developed many devices, and these devices are called as the outbreeding devices. Okay? So, वो devices कौन से हैं? चलो देखते हैं। ठीक है? So, outbreeding devices में जो पहला device आपको मिलेगा वो क्या है, unisexual adapter। अगर यहाँ पे device means कोई electronic gadgets नहीं हुआ, उनका खुद का एक mechanism है। Okay? So, unisexuality क्या होता है, यहाँ पर unisexuality means होता है कोई भी एक sex, either male or female, means अगर कोई एक flower है तो वो सिर्फ male flower रहेगा, और अगर कोई flower है तो वो सिर्फ और सिर्फ female flower होगा। ठीक है, here the plant is dioecious, dioecious means क्या होता है guys, either it is a male plant or either it is a female plant। वही monoecious means क्या होता है, एक ही plant रहेगा, उसका flower जो रहेगा उसके अंदर में आपको male female दोनों मिलेगी, means monoecious। और वही dioecious means क्या होगा, एक तो वो प्लांट रहेगा वो मेल वाला प्लांट रहेगा तो उसमें मेल फ्लावर होगा, और एक तो वो प्लांट रहेगा वो फीमेल वाला प्लांट रहेगा तो उसमें फीमेल वाला फ्लावर होगा। ठीक है, अब as flowers are unisexual, self pollination is not possible। अब हम सभी को पता है कि self pollination के लिए जो जरूरी चीज होती है वो क्या होती है, कि आपके पास में फ्लावर जो रहेगा उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक साथ होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला गाइस, ध्यान रखो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मींस एंड्रोशियम एंड गायनोशियम शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर एट द सेम टाइम, बट इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी आइदर देयर इज ओनली मेल पार्ट और आइदर देयर इज ओनली फीमेल पार्ट ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, देयरफॉर सेल्फ पॉलिनेशन विल नॉट टेक प्लेस। नाउ This type of mechanism can be seen in case of papaya. मैंने आपको papaya या cross pollination के बारे में जब बता रहा था तभी मैंने आपको explain कर दिया था कि papaya में क्या होता है, cross pollination। क्यों? क्योंकि papaya में जो female वाला plant होता है वो अलग होता है और male वाला plant जो होता है वो अलग होता है, जिस वजह से वहां पर क्या होता है guys, cross pollination, self pollination होगा क्या, नहीं। Please इस चीज को ध्यान में रखना है। Example क्या है guys इसका, mulberry and papaya। Mulberry means क्या होता है, शहतूत। ठीक है, next डाइकोगैमी। यहां पर वर्ड डाइकोगैमी मींस क्या, ब्रेक द वर्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग। डाइकोगैमी, डाई मींस टू, को मींस क्रोनोबायोलॉजी एंड गैमी मींस गैमेट। सो देयर इज क्रोनोबायोलॉजी मींस क्या होता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल। सो डाइकोगैमी मींस फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, दैट इज नोन एज डाइकोगैमी। अब यहां पर क्या होता है कि हियर एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर सो एज टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी, इन डाइकोगैमी देयर इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, बायसेक्सुअल फ्लावर मींस क्या होता है कि जहां पर मेल और फीमेल पार्ट मींस एंड्रोशियम गायनोशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। बट डाइकोगैमी में क्या होता है, दोनों पार्ट प्रेजेंट तो है सेम फ्लावर में, लेकिन अगर वहां पर एंड्रोशियम वर्किंग है तो गायनोशियम वर्किंग नहीं है, और अगर वहां पर गायनोशियम वर्किंग है तो एंड्रोशियम वर्किंग नहीं है। ये क्या हो, ये कहां होता है आपको, डाइकोगैमी में दिखाई देता है। अब अगर समझ लीजिए कोई फ्लावर है जहां पर एंड्रोशियम मैच्योर हो गया, मतलब फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर स्टिग्मा काम का नहीं है, ना स्टाइल काम का है, ना ओवरी काम के, तो क्या वहां पर सेल्फ पोलिनेशन होगा,
नहीं, और वही अगर दूसरा फ्लावर ले लेते जहां पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आर वर्किंग बट एंड्रोशियम इज नॉट वर्किंग, तो क्या वहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं। वही वहां पर क्या कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है? ओनली एंड ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब डायगोगेमी में आपको दो टाइप नजर आते हैं, एक होता है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगैमी। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गायनोशियम, मींस एंड्रोशियम जो रहेगा वो वर्किंग रहेगा लेकिन गायनोशियम जो रहेगा वो वर्किंग नहीं रहेगा, मींस एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन दैट ऑफ द गायनोशियम। एग्जांपल क्या है इसका? डिस्क फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। विद प्रोटोगैमी में क्या हो रहा है? गायनोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द एंड्रोशियम, मींस गायनोशियम विल बी वर्किंग बट एंड्रोशियम विल बी नॉट वर्किंग। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना गाइस। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि डायकोगैमी में एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट रहेगा गायनोशियम भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वर्किंग कोई भी एक पार्ट रहेगा एक टाइम पे, एक तो एंड्रोशियम वर्किंग रहेगा या फिर एक तो गायनोशियम, दोनों एक साथ वर्किंग नहीं रहेंगे। प्लीज गाइस इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, यहां पर प्रोटोगैमी का एग्जाम्पल क्या है? ग्लोरोसा। ओके, अब ध्यान में कैसे रखेंगे? प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मींस प्रो आदमी, ध्यान में रखना है। आदमी मींस मेल। देखो गाइस, हमको याद रखना है तो हम कोई भी ट्रिक को यूज कर सकते हैं। प्रो आदमी मींस, आदमी मींस मेल, तो एंड्रोशियम वाला पार्ट पहले मैच्योर होगा, और प्रोगैमी जी से आप ध्यान में रख सकते हो गायनोशियम, तो गायनोशियम वाला पार्ट यहां पर पहले मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये था अबाउट द यूनिसेक्सुअलिटी एंड डायगोगेमी। अभी देखते हैं अबाउट द हेटरोस्टाइली। सो गाइस, अभी बात करते हैं अबाउट द प्रीपोटेंसी एंड हेटरोस्टाइली की। तो प्रीपोटेंसी में क्या हो रहा है कि कोई एक फ्लावर है वो क्या करेगा, अपने खुद के पोलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट करने नहीं देगा, बट वही वो अलाउ करेगा कोई और फ्लावर के पोलन ग्रेन को अपने ऊपर में जर्मिनेट करने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? प्रीपोटेंसी। कोई और फ्लावर मीन फ्लावर कोई और रहेगा लेकिन स्पीसीज उसकी सेम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है गाइस इसका? एप्पल एंड द ग्रेप्स। डेफिनेशन क्या है? द पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, अनदर फ्लावर सेम फ्लावर, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हेटरोस्टाइली। यहां पर ब्रेक द वर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग। हेटरो मींस डिफरेंट, स्टाइली मींस स्टाइल वाला पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? डिफरेंट लेवल ऑफ स्टाइल्स आर सीन ऑन द प्लांट टू फैसिलिटेट क्रॉस पोलिनेशन। होता क्या है कि कोई फ्लावर रहेगा उसका जो स्टाइल रहेगा, एक तो वो बहुत ऊपर रहेगा मतलब लॉन्ग स्टाइल रहेगा, या फिर कोई प्लांट रहेगा उसका स्टाइल एकदम नीचे रहेगा मतलब वो शॉर्ट स्टाइल रहेगा। अब लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टाइल रहने की वजह से ही होता क्या है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं। अब इन सम प्लांट्स लाइक प्राइम रोज द स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट लेवल। वो एग्जाम्पल है उस प्लांट का जहां पर आपको हेटरोस्टाइली दिखाई देती है। दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटर। होगा क्या कि अगर उसका स्टाइल बहुत ऊपर है, अगर वो लॉन्ग स्टाइल वाला फ्लावर है तो उसका स्टिग्मा भी बहुत ऊपर रहेगा, लेकिन उसके जो एंथर है वो कहां पर प्रेजेंट है, बहुत नीचे प्रेजेंट है, तो क्या पोलन ग्रेन ऊपर तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। ओके, बट वही अगर हम बात करते हैं कि कोई प्लांट है जिसका स्टाइल बहुत शॉर्ट है तो उसका स्टिग्मा भी बहुत नीचे रहेगा और उसके एंथर जो है वो बहुत ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या वहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए यहां पर क्या होता है? ओनली एंड ओनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि वहां पर पोलन ग्रेन रीच कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन सम प्लांट दे हैव लॉन्ग स्टाइल एंड इन सम दे हैव शॉर्ट स्टाइल। ठीक है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स कैसे होते हैं और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैन ओनली ऑकर बिटवीन द फ्लावर हैविंग द सेम लेंथ ऑफ स्टाइल एंड द स्टेमेन। सो यही वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो वहां पर आपको स्टेमेन एंड स्टाइल जो है वो आपको सेम पोजिशन और सेम लेवल पे होना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई प्लांट है जिसका स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट बहुत ऊपर है और उसके एंथर बहुत नीचे है तो भी वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो ये था अबाउट द हेटरोस्टाइली एंड प्रीपोटेंसी। अभी देखते हैं हर्कोगैमी। अभी देखते हैं अबाउट द नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइड विच इज हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हर्कोगैमी में क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन बाय सम फिजिकल बैरियर्स। वो फिजिकल बैरियर्स क्या है? यहाँ पर क्या होता है ना कि स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। मतलब अगर समझ लीजिए स्टिग्मा बहुत ऊपर है तो उसका एंथर वाला पार्ट जो रहेगा वो बहुत नीचे होगा। इससे क्या होगा कि एंथर के अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं। और यहाँ इससे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो रहेगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उस डायग्राम को नहीं देखना है, इन दोनों डायग्राम्स को देखना है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो बहुत ऊपर है तो एंथर वाला पोर्शन जो बहुत नीचे है, इसी वही सेकंड में दिखा दे रहा होगा कि जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो बहुत नीचे है तो एंथर वाला पोर्शन जो है वो बहुत ऊपर है। इससे क्या होता है कि
पोलन ग्रेन जो रहता है वो स्टिग्मा के ऊपर में पहुंच नहीं पाते और सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हो नहीं पाता, ठीक है। सो हियर द स्टिग्मा एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेमेन, मीन्स स्टिग्मा स्टेमेन के बहुत ऊपर तक चला जाता है, सो दैट द पोलन फ्रॉम द स्टिग्मा आर नॉट लाइकली टू रीच द स्टिग्मा, ओके। सो पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो स्टेमेन में से स्टिग्मा के ऊपर में बराबर पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है गाइस इसका, कैलाट्रोपिस, ओके। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ मीन अवर सेल्फ, ठीक है, खुद के साथ में ही वो कंपैटिबल नहीं है, खुद के साथ में ही वो मैच नहीं कर पाता। वो होता क्या है, चलो देखते हैं यहां पर। This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited. Example, tobacco. होता क्या है कि जो same flower है वो क्या करेगा, अपने ही pollen grain को अपने ही साथ में germinate करने नहीं देगा। मतलब होगा क्या कि diagram से समझते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो red वाला flower है, ये जो stigma है उस stigma के ऊपर में जो red वाला pollen grain है वो उसी flower का है, और वही अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्टिग्मा है वो कोई और फ्लावर का है और ये जो पोलन ग्रेन है वो कोई और फ्लावर का, तो वो क्या करेगा, ये स्टिग्मा क्या करेगा कि ब्लू वाला पोलन ग्रेन जो कोई और फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसको जर्मिनेट करने देगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, पोलन ट्यूब पूरी तरह से बन जाएगा। बट वही अगर हम बात करते जो रेड वाला पोलन ग्रेन जो उसी फ्लावर का है जिसका वो स्टिग्मा है उसको क्या करेगा, वो जर्मिनेट होने नहीं देगा। मतलब यहाँ पर भी पोलन ग्रेन, यहाँ पर भी पोलन ट्यूब बनेगा लेकिन पोलन ट्यूब पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कुछ इतना ही पोलन ट्यूब बनेगा जिससे वहां पर जर्मिनेशन उसका नहीं हो पाएगा, उसके मेल गैमेट्स ओविल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बट वही ब्लू वाले के जो रहेगा उसका पोलन ट्यूब भी पूरी तरह से बन जाएगा, पोलन ट्यूब पूरी तरह से एंटर कर लेगा ओविल में और वहां पर क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी देखते हैं गाइस अबाउट द पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। गाइस अभी देखते हैं अबाउट द पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एंड मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से एक ना क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं आप, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन मींस क्या होता है कि फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टिल द फॉर्मेशन ऑफ इट्स पोलन ट्यूब एंड इट्स एंट्री इनसाइड द ओव्यूल इज नोन एज द पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। मतलब यहां से लेकर तो इसकी एंट्री तक के बीच में जो इवेंट्स हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, ओके। द इवेंट विच ऑकर फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा टिल द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इन टू द ओव्यूल इज नोन एज पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, ओके। अब यहां से लेकर तो यहां तक के बीच में जो इवेंट्स होते हैं वो क्या है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कंपैटिबिलिटी। अब इस स्टिग्मा के ऊपर में अगर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन डिपॉजिट है तो वो कंपैटिबल है, लेकिन अगर कोई और फ्लावर के पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो तो वो इनकंपैटिबल है। अगर वो इनकंपैटिबल रहेंगे तो वो आगे की प्रोसेस में टेक प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कंपैटिबल है तो वो आगे की प्रोसेस में टेक प्लेस करेंगे। तो आगे की प्रोसेस क्या होती है गाइस, जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो अगर वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन निकला तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। जर्मिनेट मींस क्या होगा गाइस, उसके अंदर में मेल गैमेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था टू सेल और थ्री सेल स्टेज होती है, उसके बाद में जैसे ही वो उसके ऊपर में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही वो उसके ऊपर में डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे तो वो स्टिग्मा का सीक्रेशन को एब्जॉर्ब करता कौन, पोलन ग्रेन। जैसे ही वो उसके सीक्रेशन को एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि उसका जो इंटाइन रहता है वो एक आउटग्रोथ शो करता है फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर, और उसकी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं गाइस, पोलन ट्यूब, ओके। सो क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अब पोलन ट्यूब बन तो गया है लेकिन उसका उसको मूव भी तो करना है ना, उसको आगे आगे भी बढ़ना है, तो उसके मूवमेंट के लिए एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस। उस आयन का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बोरॉन। प्लीज ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए, बोरॉन हेल्प्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब, ओके। तो जैसे ये पोलन ट्यूब मूव करना स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि ये जो स्टाइल है यहाँ पर बहुत से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, तो उन टिश्यूज को काट कर इसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन टिश्यूज को काटने के लिए एक एंजाइम इसके पास में होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है गाइस, पेक्टिनेज। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया। अब क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी। अब इस पोलन ट्यूब को ग्रो करना है टूवर्ड्स द ओवरी, तो ओवरी की तरफ ग्रो करना है, तो इसको अटैक कौन करता है कि इसे बराबर ओवरी की तरफ जाना है, तो उसके लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है और उसको हम कहते हैं क्या, सिनर्गिट्स गाइज। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्गिट्स हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ द
सॉरी इट डायरेक्ट्स द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड और टूवर्ड्स द ओवरी, तो उसे ओवरी के तरफ में बराबर जाना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है गाइज, वो होते हैं क्या सिनर्गिड्स, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओविम, अब इस पोलन ट्यूब को क्या करना है, एंटर करना है बराबर टुवर्ड्स द ओविम, ओके। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये जो पोलन ट्यूब रहता है ये एंटर करता है फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, मीजोगैमी। कभी क्या होता है वो एंटर करता है थ्रू द चलाजलेट, तो उसे हम क्या कहते हैं, चलाजलेमी। और अगर वो बराबर माइक्रोबियल इनसाइड एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, पोरोगैमी। ये चीज को ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद सो एंटर इनटू द ओविल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इन द सिनर्गिड्स, तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइल एंड विद द हेल्प ऑफ सिनर्गिड्स, सिनर्गिड्स के पास में क्या होता है गाइस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है कि हाँ बराबर तुझे माइक्रोपाइल एंड के तरफ में ही एंटर करना है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर कर लेता है इनसाइड द ओविल, वो क्या करता है सिनर्गिड्स की तरफ जाता है। सिनर्गिड में जैसे ही वो एंटर करता है तो पोलन ट्यूब के अंदर में जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है, कंटेंट मीन्स क्या, उसके अंदर में जो दो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद में आगे की जो प्रोसेस रहती है डबल फर्टिलाइजेशन, वो टेक प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है गाइस, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन होता है। चीज क्या है, सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो क्या, सबसे पहले कंपेटेबिलिटी, फिर उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोरॉन, फिर उसको कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेक्टिनेस, फिर उसको गाइड करना है उसे टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या सिनर्गिड्स, जो एक केमिकल सीक्रेट करते हैं ताकि वो बराबर वहीं पर पहुंचे, कौन, पोलन ट्यूब, एंड देन एंट्री ऑफ द मेल गैमेट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ओके। तो ये था अबाउट द पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन।